एक दफा फिर सुगरा फातिमा बिनते सैयद जाहिर हुसैन के लिए एक फातिहा पढ़ती है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين صلوات الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها صلوات پڑھ دیجئے اللهم صل على محمد وآل محمد دیکھیں ہماری کل کی ڈسکشن یہ تھی کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ آخر دین سے ہمیں جو اٹموسٹ بینیفٹ حاصل ہونا چاہیے وہ کیوں حاصل نہیں ہو رہا. اس کو ہم نے ایک اس کو اینگل سے دیکھا اور وہ یہ دیکھا کہ ہم پہلے یہ دیکھیں کہ آخر ہمارا دین کے بارے میں کیا ویژن ہے. مختلف ویژنز تھے, ان کو انالائز کیا. ایک ویژن یہ تھا کہ شاید دین کسی قسم کا برڈن ہے, اس کو انالائز کیا. بعد میں دوسرا تھا کہ نہیں, برڈن نہیں ہے, دین ایک ایکسٹرا چیز ہے. ہماری زندگی ایک چیز ہے, دین ایک ایکسٹرا چیز ہے. اس کو بھی, اس کی طرف بھی نگاہ کی. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ نہیں, دین جو ہے, اب دینداروں کی باری آئی. انہوں نے کہا دین اصل میں فائدے مند ہے لیکن آخرت کے لیے. ہم نے کہا کہ یہ بھی اسٹیٹمنٹ جو ہے کمپلیٹلی صحیح نہیں ہے, اور اس کو ہم نے ثبوت دیا. کہاں سے؟ ہم نے ایک پیٹرن استعمال کیا. ہم نے کہا کہ جو اقلا کا طریقہ ہے ہم اس کو فالو کریں گے. ہم دیکھیں گے کہ جو ڈیزائنر کسی بھی چیز کا ڈیزائنر کیا کہتا ہے. جیسے یہ آئی پیڈ ہے, اس میں کوئی بھی سوال ہو, کوئی بھی مسئلہ ہو, تو نیچرل میرا رسپانس یہ ہوگا کہ آپ سے پوچھوں گا, بھائی یہ سوال ہے, تو آپ کہیں گے آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں, آپ ایپل کو کال کیجئے, ڈیزائنر سے رجوع کیجئے. اچھا, اگر ڈیزائنر اویلیبل نہیں ہوگا تو کہیں گے کہ بھائی ٹھیک ہے, آپ آتھرائز ڈیلر کے پاس جائیے. اگر آتھرائز ڈیلر بھی لانگ ہالیڈے ہے, بند ہے, تو کہیں گے آپ یوزر مینوئل دیکھیے. ہم نے کہا یہی والا پیٹرن ہم ہر جگہ پہ استعمال کریں گے. دین کی بات آئی تھی,
दीन जो है, हमने पहले कहा कि ये प्रोडक्ट किसके लिए है, किस चीज के लिए डिजाइन हुई है, तो कहा इंसान के लिए। कहा ठीक, इंसान के लिए तो लेखें, चलिए इंसान के मैन्युफैक्चरर के पास चलें, इंसान के जो ऑथराइज डीलर हैं, उस मैन्युफैक्चरर के जो ऑथराइज डीलर हैं, मालूम है ना आपको 12 क्या कहते हैं, बड़ी बड़ी जो है वो तो आपको मालूम ही है, उसके अलावा अंबिया रसूल, उनकी तरफ हम जाएंगे, उनकी जो अहादीस हैं जो उन्होंने अपनी वेबसाइट पे डाली हुई हैं, मन ला याजरुल फकी आईपी एड्रेस है उसका, काफी उसका असूल काफी उसका आईपी एड्रेस है, बहारुल अनवार, मुख्तलिफ साइटों पर ऑथराइज डीलर ने अपनी बातें लिखी हुई हैं। हम जाएंगे उधर जाके उनसे कंसल्ट करेंगे किया हमने, या फिर यूजर मैनुअल पे चले जाएंगे। अच्छा, ये जो यूजर मैनुअल है बहुत ही टेक्निकल भी है, यही कुरान। बहरहाल कल हमने इस टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए साबित किया कि दीन जो है ना बर्डन है, ना कोई एक्स्ट्रा चीज है, और ना सिर्फ आखरत के लिए है, क्योंकि ऑथराइज डीलर ने पहले दिन आकर जब उसको अनाउंस किया था, उसको क्या कहते हैं जो है उसका इफ्तिदा किया था, तो आके क्या कहा था, कुलु ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लहू, ये स्टेटमेंट था। कभी ये नहीं कहा था कुलु ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लहू फिल आखिरा फिल दुनिया फिल रूह फिल बदन, सिंपल इतना कहा, आप लोग और आज तक कयामत तक जो लोग आएंगे, एक सिंपल फार्मूला है, बहुत सिंपल, वो फार्मूला ये है कि आप ला इलाहा इल्लल्लाह कहें। अच्छा, यहां कहने से मुराद मुकम्मल उस पे अमल करने वाली बात है, और उसका रिजल्ट क्या होगा, एक ही फार्मूला कीजिए, उसका इक्वल साइन, खुद ब खुद उसका रिजल्ट क्या प्रोड्यूस होगा, तुफ लोहू, आप लोग सब फलाह पा जाओ, फलाह, प्रॉस्पेरिटी। सिर्फ प्रॉस्पेरिटी कहां, आखिरत के लिए नहीं, उन्होंने नहीं कहा आखिरत के लिए, दुनिया के लिए नहीं, खाली दुनिया के लिए नहीं, खाली बदन के लिए नहीं, रूह के लिए नहीं, हर चीज में प्रॉस्पेरिटी हमने साबित किया उसके जरिए, ठीक है ना, कि हमें हमने ये जो है दीन का विजन जो है वो किस लिए, दीन क्या, फिर हमने हमने फिर एक प्रोसेस अपनाया, देखा इंसान की तख्लीक कैसे हुई है, इंसान की तख्लीक जाके मैं यूजर मैनुअल में देखी, पूरा बयान हुआ यूजर तख्लीक का, उसके बाद डिजाइनर ने उसमें कहा नफख तो फी में रूही, हमने रूही को हमने एक्सप्लेन किया, ये रूही क्यों कह रहे हैं जनाब, आप आपकी रूह है क्या, आपकी रूह तो नहीं है, फिर क्या वजह है, तो कहा एक बहुत अहम चीज समझाई कि भाई देखिए इस चीज में, इस रूह में एक कैपेबिलिटी है, अगर ये अपने आप को नशोनुमा करेगा तो जो मेरे एट्रीब्यूट्स हैं वो एक्वायर कर सकता है, ये अब ये हमने साबित कर दिया कि जनाब, एक तो हमें पता चला इंसान की खिलकत का हदफ क्या है, इंसान की खिलका का हदफ यह है कि उसको इस कैपेबिलिटीज को फंक्शनैलिटी में चेंज करना है, और उसको फंक्शनैलिटी में चेंज करने के लिए आखिर डिजाइनर ने कोई चीज तो आपके लिए रखी होगी, किस तरह से हेल्प करे वो आपकी, किस तरह से हेल्प हो, जिस तरह हमने कहा कि एक एप्पल सीड को अगर इसको एप्पल ट्री में कन्वर्ट करना हो तो पानी देंगे आप इसको एक अच्छी सॉइल के अंदर दबाएंगे, आप ऐसी जगह रखेंगे जहां सूरज की रोशनी पड़ती हो, आप इसको क्या कहते हैं फर्टिलाइजर्स आप इसके लिए रखेंगे, आखिर हमारी जो ये सोल है जिसको नशोनुमा देनी है, इसका क्या फर्टिलाइजर क्या है, इसका पानी क्या है, तो जवाब आएगा ये जो इबादात हैं ये इसके फर्टिलाइजर्स हैं, पानी है, इसकी लाइफ लाइन इबादात है, आप इबादात करते जाइए आपकी नशोनुमा होती जाएगी, जब नशोनुमा होती जाएगी तो फिर रिजल्ट आएगा, फिर प्रॉस्पेरिटी आएगी, वही प्रॉस्पेरिटी जिसका पहले दिन वादा किया था। तो यहां तक हम आपको लेके आ गए, आज एक बहुत ही मुश्किल सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं, अमूमन इसको मिंबर से टच नहीं किया जाता क्योंकि बहुत डेंजरस सब्जेक्ट है, लेकिन आज आप लोगों को अगर एक अच्छी सलावत भेजें तो हम इसको शुरू करते हैं। एक दफा और सलावत भेजिए।
देखिए, टॉपिक आज का हमारा ये है कि एक हमने ये सवाल साबित कर दिया कि जनाब दीन जो है वो आपकी लाइफ लाइन है रूह की। अब बच्चे आए का मौलाना बात सही है, लेकिन दीन रिलीजियस लाइफ बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है। देखिए हम बिल्कुल फ्रैंक गुफ्तगू है यहां पर, ठीक है ना, बहुत हार्ड है। अच्छा कुछ इसमें मस्जिद कहते हैं कि अच्छा नहीं, एक्चुअली रिलीजियस लाइफ इन्वेस्ट इज वेरी हार्ड, बहुत मुश्किल है। अब क्या ये अपने को लाइफ लाइन भी अगर रखी होती तो कोई आसान वाली रखी होती, पानी भी आ रहा है तो इतना मुश्किल वाला, आप कोई बताइए, साबित कीजिए। हमने कहा देखें, चलिए देखते हैं, वाकई हार्ड है या ये सिर्फ आपका एक जहनी ख्याल है। ठीक है ना, देखिए हमने कहा बहुत हार्ड है, हमने हार्ड नहीं कहा। अगर आप हार्ड देखेंगे तो हर चीज हार्ड है, हर चीज मुश्किल है अगर आप देखेंगे तो। अभी हम क्लास कंडक्ट कर रहे थे, उसमें छोटी छोटी चीजें इन्ना अन ये हार्ड है, जहन में रखना हार्ड है। हमने कहा, उन्होंने कहा था बहुत मुश्किल है। अच्छा हमने कहा देखिए, अब ये टॉपिक मैंने कहा अर्ज कराया कि मुश्किल टॉपिक है ये, हम इसको टच करते हैं, डिस्कस करते हैं, देखते हैं वाकई हार्ड है दीन या आसान है या इन बिटवीन है, क्या है आखिर दीन। एक जनरल कॉन्सेप्ट यह है कि रिलीजियस लाइफ एक मुश्किल लाइफ है और इसकी वजह से नहीं हिम्मत कर पाते हम कि उसको अपना है। देखते हैं, हम देखते हैं उसके अंदर हमारी दो। सबसे पहले डिफिकल्ट या इजी होना एक रिलेटिव टर्म है, ठीक है ना। जब भी आप कहते हैं फला चीज मुश्किल है तो आपके जहन में होता है कंपेयर टू दिस, आप कहते हैं फला चीज आसान है तो कहते हैं कंपेयर टू दिस। मसलन तो एक बच्चा कहता है मैथमेटिक्स बहुत, मैथमेटिक्स इज वेरी हार्ड, तो उसके जहन में होता है रीडिंग इज इजियर, ठीक है ना। एक रिलेटिव टर्म है, हमेशा जब भी कोई चीज मुश्किल होती है उसके मुकाबले में एक चीज आसान होती है, एक चीज उससे मुश्किलतर होती है। तो हम देखें आखिर ये क्या, यहां पर जो है वो क्या चीज इसके रिलेटिव में है। ठीक है, एक सलावत पढ़ दीजिए। अच्छा उससे पहले हमें ख्याल आ गया, कल जो हमने एक टॉपिक किया था उसमें एक सवाल उठा था, मुझे जहन में आ गया, मैं एकदम कहीं जहन से निकल ना जाए कि कल वाले टॉपिक से। कल एक सवाल उठा था कि कल हमने ये कहा था कि जो ये रूह में जो कैपेबिलिटी है जब ये ग्रो करती जाती है तो इंसान कामिल की सूरत में, जैसे इमाम अली की सूरत में आती है, और जो हम अक्सर लोग हम पे एतराज करते हैं कि आप इमाम का मुकाम इतना बढ़ा देते हैं। अब हमें पता चलता है कि इमाम जो है वो यदुल्ला है, ऐनुल्ला है, सारुल्ला है। तो मुझे अभी जहन में ख्याल आया कि एक सवाल ही आया था कि मौलाना ये जो यदुल्ला सारुल्ला या आइम्मा जो है ये तो बाय डिजाइन है, ऐसे ये बाय डिजाइन है, आपने कैसे उनको कंपेयर किया। तो मेरे जहन में सवाल आया, मैं चाहता हूं उसका जवाब दूं अपने बच्चों के लिए। देखिए पहली बात तो यह है कि अगर आप ये कहेंगे कि ये आइम्मा अलैहिस्सलाम की ये खसूसियात कि वो यदुल्ला या सारुल्ला या जो भी उनको ऐनुल्ला, ये बाय डिफॉल्ट हैं, तो बेसिकली आपने उनको पुट डाउन कर दिया। क्यों, अगर कोई चीज बाय डिफॉल्ट है तो इट्स लाइक अ रोबोट, ठीक है, बाय डिजाइन, ठीक है। इसमें कोई शक नहीं है कि मासूमीन क्योंकि वो लिंक है खालिक और मखलूक के दरमियान, उनका मुकाम छोटा नहीं है, लिहाजा वो कुछ खास इम्तियाजात के जरिए उनको पैदा किया गया है, इसमें कोई शक नहीं है, उनको कुछ खास करेक्टरिस्टिक दी गई हैं। लेकिन वो तमाम मुकामात उनको बाय डिफॉल्ट मिले हैं, अगर उनको तमाम के तमाम बाय डिफॉल्ट मिले होते तो फिर वो एक छोटा सा बच्चा जो कोई टास्क हम उसको देते हैं वो ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि ये तो इनका डिजाइन ही ऐसा है, इनका डिजाइन ऐसा है कि ये इस तरह नमाज पढ़ेंगे, इनका डिजाइन ऐसा है कि कर्बला में जाके इस तरह से कुर्बानी देंगे, इनका डिजाइन ऐसा है कि इस तरह जुल्म बर्दाश्त करेंगे। फिर हम तारीफ उनकी ना करते, मैक्सिमम ये करते हाँ इनका डिजाइनर कितना अच्छा था जिसने ऐसा डिजाइन किया। तो याद रख लीजिए कि मुआइम्मा अपने मुकामात को कस्ब करते हैं, अर्न करते हैं, अर्न करते हैं। हाँ एक हद तक उनको कुछ क्वालिटीज मिलती हैं क्योंकि वो लिंक हैं, क्योंकि
क्योंकि जो डिजाइनर है वो ऐसा नहीं हो सकता कि डिजाइनर हो और खाली क्या कहते हैं जो है मखलूक हो, जबकि ऐसा डिजाइनर जो कि मखलूक उसकी उसके नूर को बर्दाश्त भी नहीं कर सकती। ये एक पूरा कॉन्सेप्ट है, इंशाल्लाह मैं किसी वक्त आपके सामने बयान करूंगा कि आइमा का क्या रोल क्या है। सिंपल मैं आपको इतना अल्फाजों में कह दूं, आइमा ऐसे हैं जैसे एक ट्रांसफार्मर जनरेटिंग स्टेशन के दरमियान और आपके घर की इलेक्ट्रिसिटी के दरमियान। खुदा का नूर और कमालात वो हैं कि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते उनको, हमारे बीच में एक वास्ता होना चाहिए। ट्रांसफार्मर का क्या काम होता है, एक तरफ से वो हाई एंड एनर्जी को रिसीव करता है, उसको कन्वर्ट करता है लो एंड के अंदर और आगे 120 वॉट के क्या कहते हैं बल्ब को, लो सप्लाईज जो है उनको प्रोवाइड करता है। अगर आप ट्रांसफार्मर को बीच से निकाल दें और डायरेक्ट क्या कहते हैं लिंक कर दें जनरेटिंग स्टेशन को, यहां ये सारी की सारे लाइनें जल जाएंगी। देखिए है ना, क्या कहते हैं जो है ना रिवायात मिलती है ना कि अगर आइमा ना हो तो ये क्या हो, ये तमाम जमीन अपनी तमाम मखलूक के साथ तबाह हो जाए। आइमा वो लिंक है खालिक और मखलूक के दरमियान, लेकिन उसके बावजूद वो अर्न करते हैं अपनी तमाम चीजें। इसीलिए हम और आप करबला पे आंसू बहाते हैं, इमाम को याद करते हैं, क्यों, इमाम ने सब कुछ किया और इसका सबूत मैं आपके सामने देता हूं। हर चीज हम सबूत से देते हैं। देखिए मासूमीन, हजरत इब्राहिम मासूम थे, क्या कुरान की आयत आई, वब्तला इब्राहिम, ठीक है, हमने इब्राहिम का इम्तहान लिया, जब वो कामयाब हो गए अर्न कर लिया उन्होंने तो हमने उनको इमाम बना दिया। आइए इमाम हुसैन की तरफ, तमाम आइम्मा, इमाम हुसैन का वो मुकाम है करबला की वजह से कि इमाम जाफर सादिक, मरीज होते हैं, खुद इमाम है अपने वक्त के, और ये सब के सब एक ही नूर हैं, लेकिन क्या करते हैं वसीला किससे करते हैं, इमाम हुसैन से। कहते हैं कि वो एक ऐसा सफीना है जो सबसे तेज है, कैसे, इसलिए कि अर्न किया है उन्होंने। वो जितनी मुसीबतें आपने बर्दाश्त की हैं उसके बाद आपका मुकाम खुदा ने अदा किया, तो अर्न करते हैं हम। ये चीज याद रखिए जहन में। बहरहाल ये एक तौजीह थी जो बीच में आ गई, जो मेरे जहन में आ गई, मैं भूलने से पहले मैं चाहता था कि उसको आपकी खिदमत में अर्ज करूं। एक सलावत पढ़ दीजिए। देखिए अब हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। हमारा सवाल ये था कि दीन जो है वो आया मुश्किल है या आसान। ठीक है, हम उसी तरीके से चलते हैं डिजाइनर की तरफ, यूजर मैनुअल की तरफ आते हैं। हम खोलते हैं यूजर मैनुअल, क्योंकि डिजाइनर तो अवेलेबल नहीं है हमारे पास, लेकिन उन्होंने अपनी तमाम बातें उसमें लिख दी हैं। डिजाइनर ने लिखा हुआ है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अब मैं आपके सामने तर्जुमा करता हूँ, आसान है, बहुत आसान है। देखें ला युकल्लिफ, युकल्लिफ यानी तकलीफ। हम कहते हैं ना भाई मुकल्लफ हो गए आप लोग, बच्चा बालिग होता है तो कहते हैं आप मुकल्लफ हो गए, अब आप यानी आप पे तकलीफ आ गई, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तकलीफ यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तकलीफ यानी वही दीन, आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। अब देखिए अरबी जबान के अंदर एक ग्रामर के कुछ कानून है, उसमें अब मैं इसको तर्जुमा करना शुरू करता हूँ। ला नहीं, ला युकल्लिफुल्लाहो, अल्लाह ने किसी को तकलीफ नहीं दी। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन, किसी नफ्स को, इल्ला मगर, वुसअहा उसकी वुसअत के मुताबिक। अच्छा इसका आसान तर्जुमा अरबी जबान में कहा जाता है कि अगर शुरू के अंदर एक नेगेटिव हो और बाद में इल्ला आ जाए तो बहुत आसान है, आप इसको कह दीजिए फकत, यानी अल्लाह ने हर नफ्स को फकत उतनी तकलीफ दी है जितनी उसमें एबिलिटी है। यह तर्जुमा है इसका सिंपल, हर नफ्स में जितनी उसमें एबिलिटी है उतनी अल्लाह ने तकलीफ दी है। ठीक है ना। अच्छा देखिए जिसमें जितनी एबिलिटी होती है उसके लिए वो, उसको मुश्किल नहीं होती, उसके लिए कोई भी मुश्किल काम नहीं करता। अभी मैं एक बच्चे को बोलता हूं, बेटा आना जरा ये आईपैड जो है आप पकड़ने, भागे हुए आएंगे आईपैड उठा लेंगे, क्योंकि उन्होंने फौरन क्या किया,
अपनी कैपेबिलिटीज को, जो अपनी एबिलिटीज थी, उसको इससे डिवाइस से कंपेयर किया, फौरन आके उठा लिया, शिकायत भी नहीं की कोई इस किस्म की। अच्छा नहीं, मैं एक दफा उनको कहता हूं बेटा जरा के मिंबर जरा आप थोड़ा उधर कीजिएगा राइट साइड के ऊपर आके, कहेंगे मौलाना इट्स हार्ड। फौरन उन्होंने कहा इट्स हार्ड। क्या किया उन्होंने? कंपेयर किया। देखिए मैंने कहा था ना, हार्ड या इजी होना क्या है, एक रिलेटिव टर्म है, वो उसको किसी चीज के साथ कंपेयर करते हैं। उन्होंने यहां पर अपनी एबिलिटीज के साथ उसको कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद कहा मौलाना इट्स हार्ड, मुझ में इतनी तवानाई नहीं है कि मैं, और आप बैठे हुए भी हैं, आप कह रहे हैं इसको उधर कर दीजिए लेफ्ट साइड राइट साइड पे। देखिए आईपैड उठाने के लिए उन्होंने कतन कुछ ही कुछ ऐतराज नहीं किया, यहां पर कहा कि नहीं ये मुश्किल है। अब क्या खुदा ने कहा, हमने हर नफ्स में जितनी उसमें एबिलिटी है, जितनी उसमें इस्तेतात है, फकत, जब ये फकत आ जाता है तो उलमा कहते हैं आप एक सर्कल खींचिए, इसको कहते हैं हिसार, हिसार हासर कहते हैं इसको, मैं आपके लिए ज्यादा आसान, हासर कहते हैं यानी किसी चीज को कन्फाइंड करना, इंग्लिश में बच्चे मुश्किल के उनके लिए ना हो, कन्फाइंड कर देना किसी चीज को, एक सर्कल में किसी चीज को आप ढक दें, ये किसी कीमत पर किसी कॉस्ट पे इस सर्कल से बाहर नहीं जाएगी। अगर बाहर जाएगी कभी भी अरबी जबान में इस तरह का कानून इस्तेमाल नहीं होगा कि ला और इल्ला, ला या इल्ला या मा या इल्ला, कभी ऐसा कानून इस्तेमाल नहीं होगा। इसलिए बाकायदा इसका नाम इस्तेमाल किया जाता है हसर, इसको कन्फाइंड कर दिया गया, यानी इसी सर्कल के अंदर है, इस सर्कल से बाहर नहीं जाएगा। खुदावंत आला ने एक एक्सेप्शन निकाला, ये नहीं कहा कि हाँ नहीं कुछ लोगों के लिए जो कि वेस्ट में रह रहे हैं या ईस्ट में रह रहे हैं उनके लिए नहीं, उनके लिए मुश्किल है, उनके लिए जो मैंने तकलीफ है वो थोड़ी ज्यादा रखी है, और जो कुछ ईस्ट में रह रहे हैं उनके लिए कम है, नहीं एक भी नहीं, एक भी फकत, मैंने कहा ना इस कन्फाइनमेंट से बाहर नहीं जाएगा कोई भी। जितनी तकलीफ मिलेगी, जितना ये सर्किल है, सर्किल समझ लीजिए आपकी एबिलिटी है, इस सर्किल से एक चीज भी बाहर नहीं जाएगी, ये वादा है खुदा का, डिजाइनर ने साफ कह दिया सिंपल अल्फाजों में। अच्छा अगर हम एनालाइज कर लें चीजों को तो बहुत आसान हो जाती है उसको सहन करना। अच्छा जनाब आपने कहा था ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, क्या आपने इसमें कहा था फी वेस्ट फी ईस्ट? नहीं कहा था, किसी मकान का तस्करा नहीं कहा था, यह नहीं कहा था कि देखो तकलीफ जो है फकत उतनी दूंगा जितनी आप में एबिलिटी है इस वाले मकान में, इस वाली प्लेस पर, ईस्ट में इतनी एबिलिटी दूंगा जितनी, इतनी तकलीफ दूंगा जितनी आदमी आपके आपके इधर तवानाई है, यानी वेस्ट में मैं ये काम नहीं करूंगा, ये नहीं कहा, एब्सोल्यूट इस्तेमाल किया उसको। ठीक, अच्छा कुछ बच्चे हमारे ये कहते हैं कि जो इस्लाम है ये आउटडेटेड हो गया है। अच्छा आप देखें यहां पर इनसे पूछे, फिर जमान की बात की है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा फी वक्ते पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी नहीं कहा। किसी ने कहा कि भाई पैगंबर के अक्रम में तो आसान था, कोई मसला ही नहीं था, सारे नमाज पढ़ते थे, हम भी पढ़ लेते थे, क्या मसला है, ऐसा भी कुछ नहीं कहा। डिजाइन देखिए हम बात कर रहे हैं अभी किसकी, डिजाइनर का क्या स्टेटमेंट है, डिजाइनर सिंपल ही कह रहा है। अच्छा डिजाइनर को कोई आपसे किसी किस्म का लालच है? लालच भी नहीं है, हम सब बिलीव ये रखते हैं कि डिजाइनर क्या है, परफेक्ट है, परफेक्ट है, यानी हमारी हदीस कुदसी है, अहदीस है, रिवायात है, क्या है, अगर ये पूरी दुनिया की तमाम मखलूकात जमा हो जाए और डिसाइड करें, एक मीटिंग हो, यूएन का इजलास हो उनका, उनको डिसाइड किया जाए कि फ्रॉम टुमारो ऑल ऑफ अस विल ओबे अल्लाह सुबहाना व तआला, एक करारदाद पास हो गई, यूएन रेजोल्यूशन पास हो गया और सब पे सब आप क्या कर रहे हैं, अल्लाह की इताअत कर रहे हैं, तो उसका जवाब यह रिवायत में है कि खुदा की बुजुर्गी में एक दाने के बराबर, एक चीज के बराबर इजाफा नहीं हो सकता, खुदा खुदा है, परफेक्ट है, उसको आपकी इबादत की जरूरत नहीं है। अभी हमने कहा आप इबादत की जरूरत आपको खुद है, क्यों, क्योंकि इस सीट को पानी चाहिए ताकि ये इडली बन सके, खुदा की मेहरबानी है उसने आपके लिए प्रोवाइड किया, उसको अपने लिए नहीं है। यह फर्ज कर लीजिए कल यूएन के अंदर डिसाइड होता है कि जी सारे के सारे लोग मासियत करेंगे, सब के सब जो है खुदा की कोई बात ही नहीं सुनेंगे,
तो खुदा की जो स्टेटस है, खुदा का जो मुकाम है, उसमें एक दाने के बराबर कमी नहीं आ जाएगी, कोई कमी नहीं आएगी, उसका कोई फायदा नहीं है। लिहाजा वो स्टेटमेंट जो है, क्योंकि बाज़ोकात हम ये महसूस करते हैं भाई, देखें हमने, आप में से जो लोग माइक्रोसॉफ्ट में या दूसरे कॉरपोरेशन में काम करते हैं, हम ट्रायल एंड एरर के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जाता है ना, उसमें कहा जाता है इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, लेकिन होता है बाज़ोकात पीछे फॉल्ट, हम बयान नहीं करते, वो कहते हैं जब ये आएगा तो हम इसको ये करेंगे, सर्विस पैक 2 रिलीज कर देंगे, कोई और सर्विस पैक रिलीज कर देंगे, ठीक है ना। तमाम के तमाम, तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट का मसला नहीं है, तमाम ये एप्पल के तमाम जितने भी हैं, सब ट्रायल एंड एरर है। आप लोग सब टेस्ट करते हैं और उसके बाद आप बग फाइल करते हैं, उसके बाद वो जनाब आकर नया ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है, नया वर्जन आ जाता है, इसीलिए नए वर्जन आते हैं मुस्तकिल। अल्लाह वाला तो, अल्लाह के तो ऐसा नहीं है कि भाई एक वर्जन चेंज कर देंगे, ये प्रोटोटाइप था, ये पायलट था, अब आपके लिए जो है ना वो RTM जो है उसके लिए हम रिलीज कर देंगे, फाइनल वर्जन आएगा अब इसके बाद, ऐसा कुछ नहीं है। इमाम मेहदी भी आएंगे तो यही वाला वर्जन होगा, ठीक है। तो तय है, अब क्या कर दिया आपने, साबित कर दिया किसने, डिजाइनर ने, कि भाई दीन जो है वो मुश्किल नहीं है। एक सलावत पढ़ दीजिए, एक और सलावत पढ़ दीजिए, अच्छा यही खाली एक आयत नहीं, उसके अलावा आयत और भी दी, मा जाला अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, बिल्कुल आसान आसान उर्दू है, मा जाला अलैकुम, मा जाला हमने तुम्हारे लिए करार नहीं दी, समझे, फिर दीन, दीन के अंदर कोई हरज, किसी किस्म का कोई हरज नहीं है तुम्हारे अंदर, फिक के अंदर हम इसको कानून कायदा ला हरज कहते हैं। ये आगे क्या कहते हैं, और आइए, वह युरीदुल्लाह बिकुम युस्र, पैगंबर को मुखातिब करके कह रहे हैं, खुदा कह रहा है मैंने तुम्हारे लिए आसानी रखी है। या आगे पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, वो कहते हैं कि मैं तमाम आसान दीन पे मबूस हुआ हूं। तो अब मुश्किल क्या है, हम क्यों यकीन नहीं रखते। देखिए डिजाइनर ने तो ये कहा है, डिजाइनर ने तो ये कहा है, ऑथराइज्ड डीलर ने तो ये कहा है, यूजर मैनुअल में तो ये लिखा है कि दीन आसान है, मुश्किल कहां है, मुश्किल कहां है और कैसे उसको हल करें। मैंने कहा था ना ये मुश्किल काम है, इसको हल कैसे करें। अच्छा किसी से पूछा कि भाई क्या हल करें कि दीन लोगों को आसान लगने लगे, सोचा उन्होंने, कहा आरिफ हो जाए, कोई आरिफ हो जाए तो दीन आसान हो जाएगा। अच्छा हमने सर झुका लिया, फिर और से पूछा आप बताए क्या कहते हैं, कोई हल है आपके, दीन आसान हो जाए, दीन तो आसान था, लोग उसको आसान समझने लगे, कहा कि मुत्तकी हो जाए। समझ में नहीं आया, किसी और से पूछा आप बताएं, कहा जी मोहब्बत करने लगे दीन से। नहीं आप जो सारे काम कह रहे हैं बहुत मुश्किल काम कह रहे हैं, क्योंकि ये दीन है जो उनको मुत्तकी करेगा, ये दीन है जो उनको आरिफ बनाएगा, आप कह रहे हैं वो पहले आरिफ हो जाएं उसके बाद जो है वो आके दीन को हल करें, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो मुश्किल कहां है, देखिए हमने कहा था कि कंपैरिजन का मसला होता है, हमने कहा था कि कोई चीज हमें आसान लग रही है उसके मुकाबले में हम जो है वो कह रहे हैं कि दीन मुश्किल है। तो बाज लोगों के मुताबिक जो कहते हैं कि दीन मुश्किल है उनके लिए जिंदगी आसान होती है, बाज लोगों के मुताबिक, बाज लोगों के लिए जिंदगी बहुत मुश्किल है, वो जिनके लिए जिंदगी मुश्किल है हम उनका बताएंगे उनका क्या मसला है। बाज लोगों के जिंदगी आसान है, जिंदगी आसानी से बसर हो रही है, दीन आके उसको मुश्किल बनाता है। क्या वाकई ऐसा है, जिंदगी आसान है, जिंदगी आसान है, अब ये सोचने की वाली बात है। देखिए मैंने कहा था मुश्किल है, आज का सब्जेक्ट बहुत मुश्किल है, मैं पहले सोच रहा था ना इस मौजू में बोलूं, फिर मैंने कहा नहीं बोल देता हूँ, क्या मसला है, चलें बोल ही देता हूँ, क्या है, आप लोग वैसे भी कल छुट्टी है, कल लेक्चर नहीं है, आपको थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा। अच्छा चलिए फिर डिजाइनर के पास जाते हैं, जिंदगी आसान है या मुश्किल है। डिजाइनर का यूजर मैनुअल खोलते हैं, सूरह बलद, वलकद खलकनल इंसान फी कबद, लकद खलकनल इंसान फी कबद, हमने इंसान को मुश्किल में पैदा किया है, उसकी पूरी जिंदगी मुश्किल है। देखा क्या अजीब, क्या कहते हैं जो है वो है, हम कहते हैं जिंदगी आसान है, दीन आके हमारे लिए मुश्किल पैदा कर देता है।
हम जिंदगी को गुजारने दे, हमको क्यों दिन आके हमें डिस्टर्ब करता है। खुदा कह रहा है उल्टा मामला है, जिंदगी मुश्किल है। आप कहेंगे आगा ये तो आपने एक आयत पढ़ ली, कोई और आयत बताया। मैंने कहा अच्छा ठहर जाए, चल जाएगी। दूसरी जगह पर या अय्युहल इंसान इन्नक कादहुन इला रब्बिक कदहन फमुलाकी है। दिलचस्प चीज है, देखिए ए इंसान तुम यकीनन यकीनन या अय्युहल इंसान कादहन, कादहन कहते हैं किसको, एक मूवमेंट है बहुत सख्ती के साथ, बहुत सख्ती के साथ मूवमेंट हो रही है, एक इंसान मूव कर रहा है बहुत सख्ती और तकलीफ के साथ। इसको हम कहेंगे स्ट्राइविंग, यू आर स्ट्राइविंग टुवर्ड्स योर लॉर्ड। और कैसी स्ट्राइविंग, कादहन इला रब्बे का कदहन, दोबारा ताकीद है, बहुत ही सख्त। यानी तुम्हारी जो ये जो मूवमेंट है अल्लाह की तरफ बहुत तकलीफ में है, लेकिन हम सब मूव कर रहे हैं अल्लाह की तरफ। नहीं यकीन आता, जब कोई मर जाता है तो हम क्या पढ़ते हैं, इन्ना लिल्लाहे व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या मतलब है इन्ना का, आज हमने क्लास में मतलब पढ़ा था, यकीनन यकीनन हम सब किधर से हैं, अल्लाह की तरफ से हैं। इसको हटा दीजिए, अल्लाह की तरफ से हैं और उस ही की तरफ पलटेंगे। देखें ये पलटना क्या है, मूवमेंट है। हम यानी कहीं से आए हैं और मूव कर रहे हैं। इसको अक्सर उलमा जो है वो इस तरह से बयान करते हैं, कहते हैं देखें इसकी मिसाल इस तरह से, हम मिसाल से ज्यादा समझ में आती है ना आसान बात। इसकी इस तरह से जैसे सूरज जो है वो समंदर पे आके गर्म हुआ, उसको गुस्सा दिलाया, वो पानी भाप बना, ये भाप बना। अब ये पानी जो है कतरा जो यहां से चला है ये समंदर से, इन्ना लिल्लाहे इन्ना इससे है ये। उसके बाद ये मूव कर गया कहां, पहाड़ों पर जाके, बादल गिरे, पानी गिरा, बारिश हुई, अब ये कतरा मूव कर रहा है वापस किधर, समंदर की तरफ। ये है इन्ना लिल्लाहे व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये है, ये देखें ये चल रहा है, ये चल रहा है, मूवमेंट है, ठीक है। और वाकई यही है, वाकई यही है। अब ये कतरा देखेंगे कहां जाएगा, अगर ये गंदगी में जाएगा तो गंदा हो जाएगा, कीचड़ बन जाएगा, और अगर ये अपने आप को संभाल के चलता रहा तो आखिर में क्या है, फमुलाकी है। तुम हतमन हतमन फाया हतमन हतमन तुम अल्लाह से मुलाकात करोगे, डेफिनेटली तुम्हारा एंड कहां, अल्लाह पे है, एंड तुम्हारा उधर है, मूवमेंट है, ठीक है। हम यानी क्या कह रहे हैं, हमारी बात ये हो रही है कि देखिए जिंदगी जो है वो मुश्किल है, जिंदगी मुश्किल है, क्या चीज आसान थी, दीन आसान है। और हम क्या कहते हैं, दीन मुश्किल है जिंदगी आसान है। असल में हमने जिंदगी की आदत कर ली है। इंशाल्लाह अब हम यहां पर रुक जाते हैं अभी फिलहाल, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, ज्यादा हो गया है, ये चीज ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ है यहां पर। अभी हमने सिर्फ डिजाइनर का व्यू पेश किया है, अब हम इससे ज्यादा भी हम आगे, इसके अंदर पूरा टॉपिक डिटेल है, हम इसको प्रूफ करेंगे, खाली डिजाइनर की बात पे नहीं जाएंगे हम, इंशाल्लाह एक एक एस्पेक्ट को उठाएंगे और साबित करेंगे कि वाकई दीन मुश्किल है या नहीं है, और फिर हम ये साबित करेंगे वाकई वेस्ट में मुश्किल है या नहीं है। हो सकता है हम कुछ तारीख से मदद लेंगे, तारीख में हमारे साथ आबा अजदाद के साथ हुआ क्या, उससे ज्यादा मुश्किल आ जा रही है या नहीं। बहरहाल एक सलावत पढ़ दीजिए, बहरहाल चूंकि वक्त ज्यादा है और ज्यादा हो चुका है, और मरहुमा की जो है साले सवाब की आज मजलिस है, तो चाहेंगे कि कुछ अहले बैत से के दर पर हाजिरी दें। हमारे पास आज जो कुछ भी है वो आइम्मा अतहार की वजह से, आप देखिए कि हमारे आइम्मा एक मजलूमाना उनकी जिंदगी थी और मजलूमाना उनकी शहादतें थी, हत्ता के खुदा ने ये देखा कि जब ये लोग कदर नहीं करते, होता है ना ऐसा, जैसा कि एक म्यूनसिपलिटी आती है, एक एक जो है सिटी आती है, सिटी वाले आते हैं आपके बाहर
यहाँ पर इमाम बारगाह के बाहर एक बल्ब लगा जाएं और उसके बाद शरीर बच्चे आए पत्थर मार के बल्ब को तोड़ दें, सिटी आएगी दोबारा लगा देगी, दूसरा तीसरा लगा देगी, चौथा लगा देगी, हत्ता के 11 लगाने के बाद 12वें को वो उठा के रख लेगी कि आखिरी है, उसको संभाल के रख लिया कि अब तुम आप लोग अपनी आदतें सही कर लो, अपने आप को इस काबिल बना लो कि मैं तुम्हारे पास आके बल्ब लगा सकूं, तो ये आखिरी 12वां मैं जब लगाऊंगा। ये 12वां जो गए हैं ये अपनी उम्मतों के हाथों मजबूर होके जो है ना गैबत में गए हैं, वरना कभी भी इमाम को शौक नहीं था कि क्या कहते हैं उसमें जाते हैं। बहरहाल आइम्मा ने जो दुख उठाए, जो तकलीफें उठाई, वो आप उसके शाहिद हैं। और करबला के जो वाकयात हैं, वाकया ये दीन हमारा करबला से बरकरार है। हम और आप आज जो दीन का नाम ले रहे हैं, आप यकीन कर लीजिए, मैं इस यकीन पर फाइज हूँ, अगर करबला ना होती दीन ख़त्म हो चुका होता, लोग दीन को कुछ और लिबादा उड़ा देते। इस करबला है जिसने ये दीन हम और आप तक पहुंचाया है, बस हमारी गर्दनों पर इमाम हुसैन का बहुत बड़ा हक है, बहुत बड़ा हक है। देखिए इमाम इमाम मासूम थे, उन्होंने अपनी ज़ात पे जो तकलीफ़ें बर्दाश्त की उनके लिए शायद इतनी मुश्किल ना होती, लेकिन उनके अपने ख़ानदान वालों के साथ, ख़ास तौर पे बच्चों के साथ, ख़ास तौर पे बीवियों के साथ, क्योंकि इमाम हम कहते हैं कि मजहर सिफात खुदा होता है, मजहर सिफात खुदा होता है, यानी उसमें तमाम की तमाम क्वालिटीज़ अपनी पीक पर होती हैं। हम ये देखते हैं कि अगर इमाम गैरतमंद, हम ये देखते हैं ना हम लोग कितने गैरतमंद हैं, आज हम सोचें कि हमारी माएँ बहनें खुदा ना खास्ता अगर उनको नंगे सर उनकी बेइज्जती की जाए, उनको बाजारों में लेके जाया जाए, हमारे किसी बच्चे को तमाचे मारे जाएं, ताजियाने मारे जाएं, तो हम क्या हमारा हाल होगा, हमारी गैरत क्या करेगी, हम जीते जी मर जाएंगे। और इमाम में ये गैरत अपने कमाल पर होती है, कमाल पर होती है। इमेजिन कीजिए आप इमाम ज़ैनुल आबिदीन का मुकाम सोचिए, कि इधर हजरत सकीना को ताजियाने पड़ रहे हैं, 3 साल की बच्ची, आप इमेजिन कीजिए, एक 3 साल के बच्चे का तसव्वुर कीजिए कितना मासूम होता है, और वो ऐसा बच्चा जो अपने बाप से इतना अटैच हो, उनके साथ ताजियाने, तब थप्पड़ और पता नहीं कौन कौन से उनके साथ जुल्म किए जा रहे। अच्छा अक्सर ये होता है कि हम जब तारीख पढ़ते हैं तो बच्चे हमारे सवाल करते हैं कि बाबा ये मौलाना ये तो तारीख है, सही है या नहीं है। बाज़ औक़ात हम कहते हैं नहीं बेटा सही है, इसमें कोई इजाफा नहीं किया गया। मैं आज आपकी खिदमत में एक वाक़या बयान करता हूँ, आपकी जहमत को तमाम करता हूँ, आपने आपके दिल को तकलीफ़ हुई, ये आपको अजर मिल गया उसका। ये 7th या 8th century की बात है, सैयद हाशिम एक दमिश्क में रहते हैं, ये आलिम है, ये जो है सैयद मुर्तज़ा की औलाद में से हैं। सैयद मुर्तज़ा हमारे बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, शेख मुफीद के शागिर्द थे और शेख तूसी के उस्ताद थे, उनकी नस्ल है 5वीं 6ठी नस्ल है, उसमें से इन आलिम का नाम है सैयद हाशिम। ऑटोमन एम्पायर का दौर है, सैयद हाशिम की 3 बेटियां हैं। एक दिन एक बेटी रात को ख्वाब से बेदार होती है, बहुत तकलीफ में आती है अपने बाबा के पास, बाबा बाबा बेदार होइए, जागिए। सैयद हाशिम बेदार होते हैं, आलिम हैं, सैयद हैं, कहते हैं क्या हुआ बेटी, कहते हैं बाबा मुझे अभी ख्वाब में सैयदा सकीना आई थी, कहने लगी अपने बाबा को कहो दमिश्क में यहाँ पर मेरी कब्र में पानी आ गया है, आप इसको कब्र खुला के मेरी साफ कीजिए। सैयद हाशिम ने उनको देखा, कहो जाओ बेटी सो जाओ, शायद ऐसी ख्वाब देखा होगा आपने। दूसरे दिन बड़ी बेटी मंझली बेटी ने ख्वाब देखा, ख्वाब देख के आई, आके बाबा को उठाया, बाबा आज बीबी सकीना मेरे ख्वाब में आई थी, वो कह रही थी अपने बाबा को कहो मेरी कब्र में पानी आ गया है, आए इसको खोलें और पानी को साफ करें। आपने फिर हिम्मत नहीं की,
तीसरे दिन छोटी बेटी ने ख्वाब देखा, इसी तरह से आई बाप के पास। सैयद हाशिम कहने लगे, देखिए आपका ख्वाब की बेस पे मैं एक इमाम मासूम की बेटी की कब्र कैसे खोल सकता हूँ, मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ। चौथे दिन सैयद हाशिम खुद सो रहे होते हैं तो कहते हैं कि मैं ख्वाब में देखता हूँ एक बच्ची है वो बच्ची, लेकिन बड़ी हैबत है उसके पास। वो आती है मेरे सामने, कहती है, सैयद हाशिम मैं तुम्हें 3 दिन से पैगाम पहुंचा रही हूँ, तुम्हें बात समझ में नहीं आती, मेरी कब्र में पानी आ गया है, आओ उसे साफ करो। ये तड़प के उठ जाते हैं, अब परेशान हो जाते हैं, एक सीरीज है ख्वाब की। फौरन वालिय दमिश्क के पास जाते हैं, वालिय दमिश्क एक लेटर लिखता है, अब्दुल हमीद उस वक्त एक बादशाह होता है उस वक्त, कि ये वाकया है, क्या किया जाए। अब्दुल हमीद कहता है, मुझ में हिम्मत नहीं है, अगर सैयद हाशिम खुद समझते हैं कि कब्र को खोद लें तो खोद लें, मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं ये हुक्म दूँ। सैयद हाशिम शिया उलमा से मशवरा करते हैं और उसके बाद ये आते हैं जरी के ऊपर। जरी थी उस वक्त, बाहर जरी हटाई जाती है, किस्सा मुख्तसर, ये डिसाइड होता है कि हम कब्र खोदेंगे। कब्र खोदना शुरू करते हैं, थोड़ी सी कब्र खुदती है तो पानी के आसार आना शुरू हो जाते हैं, यानी बात सही थी। अब ये और क्या कहते हैं, शौक, जल्दी जल्दी खोदते हैं कब्र। कब्र खोदते हैं तो देखते हैं कि हज़रत सकीना का लाशा ऐसे ही है और उसमें पानी रसना शुरू हो गया है कब्र में। अब सब लोग गिरिया करना शुरू करते हैं, तमाम उलमा, बड़े बड़े उलमा होते हैं, गिरिया करते हैं, देखते हैं। सैयद हाशिम हज़रत सकीना को अपने हाथों पे लेके एक तरफ बैठ जाते हैं। उसके बाद अब लोग आते हैं कब्र को दुरुस्त करने के लिए, कब्र को दुरुस्त किया जाता है, इस काम में 3 दिन लग जाते हैं। ज़ाहिर पुराना ज़माना है, पानी खींचा जाता है, उसमें चारों तरफ दीवारों पर चीज़ें लगाई जाती हैं जो उस वक्त जो भी कंस्ट्रक्शन की चीज़ें थी, ताकि पानी मज़ीद ना आए। इस दौरान इनका दस्तूर होता है, सैयद हाशिम बीबी को लेके बैठे रहते हैं, एक जिंदा मौजजा ये होता है कि इस 3 दिनों के अंदर आपने सिर्फ एक पाक कपड़ा रखा होता है उस पर आप लिटाते हैं, सिर्फ नमाज के लिए उठते हैं, बाकी ना आपको कहते हैं 3 दिन में ना मुझे भूख लगी ना प्यास लगी। बैठ के रोते रहते हैं, उलमा रोते रहते हैं, एक मातम हो उसका समा रहता है। अच्छा, अब ये अपने कफन में ही है, जब 3 दिन के बाद कफन कब्र तैयार हो जाती है तो उसके बाद सैयद हाशिम उठते हैं, चाहते हैं उसको दफना दें, उतरते हैं अंदर जाके और दफना देते हैं। जफ्ताते ही सैयद हाशिम चीखे मार मार के रोना शुरू कर देते, नाले करना शुरू कर देते। सारे लोग उलमा हैरान होते हैं, कहते हैं सैयद हाशिम क्या ऐसी चीज तुमने देख ली, क्या देख लिया जो तुम इतने परेशान हो। कहते हैं आगा मैंने जब लिटाया नीचे जमीन पे तो मेरा हाथ से कफन का एक पोर्शन हट गया, मैंने वो देखा जो तारीखों में पढ़ा था, मैंने देखा इस नन्ही सी जान के जिस्म पे ताजियानों के निशान थे। खुदाया हमारे तमाम मोमिनीन की हाजात को पूरा फरमा, खुदाया दुश्मनान इस्लाम को नाबूद फरमा, मोमिनीन की हिफाजत फरमा, इराक हो, पाकिस्तान हो, बहरीन हो, सूरिया, लुबनान, जहाँ जहाँ मोमिन फुकहा की, हमारे तमाम मुजतहिदीन की हिफाजत फरमा, रहबर मौज़म की हिफाजत फरमा, खुदाया इमाम के ज़हूर में ताजील अता फरमा, हमें उनके आवाम व अंसार में करार दे। एक फातिहा पढ़ दीजिए। बिस्मिल्लाह
السلام علیکم یا صاحب، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، السلام علیکم یا خاتم الانبیاء، السلام علیکم امیر المومنین علی ابن ابی طالب، السلام علیکم یا فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم یا حسن المجتبی، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسیٰ ابن جعفر و علی ابن موسیٰ و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی، السلام علیکم یا صاحب عصر و زمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم امام الانس والجان، اجل اللہ تعالی فرجک و سہل اللہ تعالی مخرجک و ظہورک و رحمۃ اللہ و برکاتہ. Thank you.